ये बिल्ली जो अभी आपने दिखाई थी, ये उसने मुझसे जिद करके ली थी। ये इस इंसिडेंट से तकरीबन 15-20 दिन पहले उसने मुझे कहा कि बाबा मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे इस दफ़ा अपने किटन लेके देना है। तो आप यकीन करें, उसकी बर्थडे 27 अप्रैल को थी। मैंने उस जिस दिन उसने मुझे बोला, मैं अगले दिन ही उसके लिए जाके किटन लेकर आ गया कि ये ले बच्चे, ये ले किटन। ये वही पालती थी, वही खिलाती पिलाती थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, इसी को खाना पीना डाल के वो नीचे कचरा रखने गई, और उसके बाद उसका पता नहीं चला। मुझे नहीं पता मेरा पैगाम उस तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो एक हफ्से बेजा के अंदर है, और हफ्से बेजा में यकीनन उस तक मेरा पैगाम तो नहीं पहुँचेगा। लेकिन मैं उस तक यही पैगाम पहुँचाऊँगा कि बेटा, हिम्मत से काम लेना, हम सब तुम्हारे लिए खड़े हैं, और मैं तुम्हें उनके 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 पास से लेकर आऊँगा। मैं, मेरा ख्याल है, अपनी तमाम बच्चों को 5,000 ईदी दिया करता था, प्लस उनको घुमाने के लिए लेके जाते थे, जैसे तमाम पाकिस्तानी लोग करते हैं बहैसियत। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे नानी की तरफ से ईदी मिला करती थी, कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें, इसी तरह अभी भी इस दफ़ा भी ऐसी होना था। इस दफ़ा तो हमारे घर में ईद ही नहीं हुई, क्योंकि हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंसिडेंट जो था गालिबन 13वें रमज़ान पेश आया था। उसके बाद ही ये सारे सिलसिला हम करते थे, क्योंकि पास से ही या सिला सिलाए कपड़े लेते थे, या वो लेने के बाद सिलवा लिए जाते थे। वो मेरा ख्याल है 1-2 दिन के अंदर हमने लेने थे। मेरे तक कोई प्रेशर नहीं आया, मेरे तक कोई कांटेक्ट ही नहीं आया सेकंड पार्टी की तरफ से, ना सुलह के लिए आया है, ना प्रेशर डालने के लिए आया है, ना ही मेरी बच्ची से कोई रابطہ करवाने के लिए आया है। और अगर वो लोग बड़े शरीफ ख़ानदानी लोग होते, तो मैं नहीं समझता कि वो मुझसे रابطہ ना करते हुए एटलीस्ट बच्ची की बात करवाते। मेरे साथ तमाम, खसूसन सिंध हुकूमत के तमाम वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है। शहला रज़ा साहिबा, जिनकी वजारत के अंडर ये आता है, वो मेरे साथ भरपूर तआवुन कर रही हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे यकीन है कि उनके उन उनका हमारे वो बैक उनकी वो हमारी बैक पर हैं, तो हम यकीनी तौर पे इस केस को बहुत अच्छे से परसू करके बच्ची को सिंध में वापस लेकर आएंगे। उस वक्त हमने जो स्टार्ट लिया था वो सिंध से लिया था, क्योंकि जिस कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस था, क्योंकि यहाँ पर हमने FIR दर्ज करवाई थी, तो हमने पहले इसे परसू करना था। उसके बाद अब हम इंशाल्लाह ताला जो फर्स्ट वर्किंग डे आएगा, फर्स्ट ईयर, उसके बाद हम लाहौर का रुख करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, और वहाँ से इस मामले को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे लाहौर के एंड से। मैं सोशल मीडिया का बहुत मशहूर हूँ, आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने इस मामले को अपनी बच्ची समझ के और मुझे अपना भाई समझ के ये सारा परसू कर रहे हैं। मैं मीडिया चैनल्स का भी मशहूर हूँ, जिन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। सिंध गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जो मुझे भरपूर तआवुन कर रही है, और मुझे यकीन है कि जब ये मामला पंजाब में जाएगा, तो पंजाब गवर्नमेंट भी ये तआवुन करेगी। पाकिस्तान के तमाम लोगों का, जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से हो या नहीं हो, पाकिस्तान की तमाम अवाम जो इस सिलसिले में सोशल मीडिया पे कमेंट्स करती है, या मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज करके यकीन दहानी कराती है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मामले को समझा, और इसमें हमें मुझे मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपनी बच्ची समझ के वो इसे दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये पाकिस्तान की बच्ची है। सर बिल्कुल, हमने वकील करवा लिया है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक पूरा पैनल अलाट हुआ है, और जब हम पंजाब जाएंगे तो हम वहाँ पे भी इसको भरपूर तरीके से फाइट करेंगे। इस मामले को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, और अगर हमें सिंध हाई कोर्ट से बिलफर्ज बिलफर्ज अगर हमें वो इंसाफ नहीं मिला, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हम हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो हुआ हमारे साथ वो गलत हुआ, ज़्यादती हुई, और इसके अंदर जो जो इसमें मुजरम थे, जो जो सहूलतकार थे, उन सबको अदालत के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा।